हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू अबित शिक्षा। टुडेज डेली न्यूज़ कैप्सूल इज ब्रॉट टू बाय अबित शिक्षा। सो लेट अस बिगिन। आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो है, फर्स्ट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स विदड्रॉ 85,000 ऑलमोस्ट 10 बिलियन डॉलर्स जो है वो इंडियन मार्केट से, एंड दे हैव पम्प्ड मनी इन चाइनीज मार्केट। तो व्हाट इज़ द स्टिमुलस इज चाइनीज मार्केट इज गिविंग, वो हमें अंडरस्टैंड करना होगा। और डिफरेंस बिटवीन FPI एंड FDI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये हमें समझना होगा। सेकेंड इज डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट के बारे में एक न्यूज़ आया है, PM मोदी कल मन की बात में उन्होंने ही हैड टॉक्ड अबाउट डिजिटल अरेस्ट, तो वी विल लुक इन टू दैट। एंड थर्ड इज इंडिया टू प्रोक्योर 15 मोर C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस। ठीक है, तो ये तीनों न्यूज़ आज के आर्टिकल के सबसे इंपॉर्टेंट, आज के न्यूज़पेपर के तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। वी विल लुक इन टू एवरी आर्टिकल इन डिटेल। उससे पहले इफ़ यू आर प्रेपेरिंग फॉर आसाम टेट एग्जामिनेशन, जो कि अभी आपको पता होगा कि रिक्रूटमेंट का नोटिस भी आ गया है, एंड इफ यू आर आइंग ऑन दिस एग्जामिनेशन एंड यू वॉन्ट वन कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर योर एंटायर एग्जामिनेशन, यू कैन डेफिनेटली जॉइन इन दी कोर्सेज। आवर कोर्सेज हैज़ बिगन, यू कैन enroll in our classes. You will get all the live sessions, test series, study material, recorded videos, everything will be provided to you. The course fee is very very minimal. Aap log jaldi se join kar sakte hai and you can be the part of the course. Theek hai, so this was the news, and we are giving paper 1 ka extensive course, so you can definitely join in. Theek hai, okay, first news of the day is foreign portfolio investors withdrew 85,790 crores from Indian equities market in October. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि मेन जो कारण है कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक bullish stance या फिर भी एक bullish market आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर people are withdrawing money. ठीक है, people are withdrawing money and the market is also dipping थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि foreign portfolio investors है, they have withdrawn मैसिव अमाउंट। ठीक है, 85,790 करोड़, दैट इज ऑलमोस्ट 10.2 बिलियन डॉलर्स जो है वो इक्विटी मार्केट से जो है उन्होंने निकाल दिया है बिकॉज ऑफ चाइनीज स्टिमुलस फीचर्स। ठीक है, और चाइना का जो मार्केट है ना, बहुत एकदम चीप जो है स्टॉक्स वो सेल कर रहे हैं, एंड यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा अट्रैक्टिव स्टॉक वैल्यूएशन भी दे रहे हैं। ठीक है, उसके वजह से जो है डोमेस्टिक इक्विटीज़, हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ से पैसे जो है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो विड्रॉ कराते जा रहे हैं। और अक्टूबर जो है ना, ये इन्हीं कुछ साल में इंक्लूडिंग कोविड के समय भी, अक्टूबर में ये जो अक्टूबर है यहाँ इस समय सबसे ज़्यादा मार्केट से जो है मनी पुश आउट हुआ है। ठीक है, वहाँ से जो है बहुत सारे लोगों ने पैसे निकाल लिया, फाउंड आउटफ्लोस इस समय सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है। मार्च 2021 में भी अगर आप देखेंगे, इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 61,973 करोड़, उससे भी ज़्यादा है दिस टाइम, इट इज़ मोर देन दिस। और इस बार तो हमारा कोविड का भी नहीं समय चल रहा है ऐसे ही, मतलब बिकॉज चाइना इज़ गिविंग सम काइंड ऑफ स्टिमुलस इन दिस मार्केट, मतलब बहुत चीप जो है उनके स्टॉक्स जो है वो बिक रहे हैं, इसी के वजह से यहाँ से इंडियन मार्केट से जो है पैसे जो है वो निकाल ले रहे हैं। सेप्टेम्बर में भी देखेंगे, इट वाज ऑलमोस्ट 58,000 करोड़ रुपीज़ जो है निकाला गया है। तो वो अभी सिंस जून के महीने से जो है बहुत सारे FPIs जो है वो लोग खरीद रहे थे, पर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही धीरे धीरे समय आया तो लोग जो है अब उसको बेचने लगे हैं। लुकिंग अहेड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्लोबल इवेंट सच एज जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन फॉरन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इक्विटीज, ये ऐसा कहा गया है। मतलब अब जो फॉरन जियो पोलिटिकल जिस तरीके से भी होगा, जो भी जियो पोलिटिकल इशूज़ आएगा, जैसे रिसेंट में अभी बिल्कुल आप देखेंगे कि जो US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो भी एक बहुत बड़ा मेन रीज़न रहेगा कि हम देख पाएंगे कि मार्केट कैसे चेंज होगा। ठीक है, और जो युद्ध चल रहे हैं या फिर इन्फ्लेशन कैसा है, कौन सा मार्केट ज़्यादा रिटर्न देगा, तो ये सब जो है चीज़ें इंटरनेशनल एरिया में जो भी चीज़ें होंगे उस हिसाब से जो है एक हम आगे का फ्यूचर कोर्स देख पाएंगे। फिलहाल इट इज़ वेरी डिंजी फॉर इंडियन मार्केट। ठीक है, यहाँ से बहुत लोगों ने पैसा जो है वो निकाल लिया है। ऑन डोमेस्टिक फ्रंट हमारे इंडिया के लेवल पे अगर आप देखेंगे, बहुत चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन है, कॉर्पोरेट अर्निंग कैसा कर रहे हैं, फेस्टिव सीज़न में कैसा डिमांड है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है एडअप करेगा कि हम किस टाइप से इन्वेस्ट कर रहे हैं इन दी इक्विटी मार्केट। ठीक है,
अभी हमें ना ये समझना है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होता है, ये इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है. ये इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो कि फाइनेंशियल एसेट्स में या फिर मतलब कुछ भी फाइनेंशियल एसेट्स हो, जैसे मार्केट में या फिर कंपनी में पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो क्या करते हैं, ये इन्वेस्टर्स होते हैं लेकिन ज़्यादातर ये कंपनीज में जो है इन्वेस्ट जो है ये करते हैं, ठीक है. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है ये सिंगल भी हो सकते हैं, कोई मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, पर ये ज़्यादातर जो है ग्रुप ऑफ जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है दिस इज मेजरली अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है. ये जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, द यूज़र इज जनरली इनएक्टिव, लेकिन इसमें इन्वेस्टर जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, बिकॉज वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है. ऑलमोस्ट आप 10% से कंपनी के 10% से ज़्यादा स्टेक्स आप खरीद लेते हैं, ठीक है. जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा था, तो वो वॉलमार्ट ने अब 10% से ज़्यादा का उसके पास हिस्सेदारी है, तो वो क्या बन गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर बन गया, ठीक है. तो यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जो होता है वो एक्टिव रहता है कंपनी के वर्किंग में, पर इस यहाँ पर FPI में ऐसा कुछ नहीं है. आपने बस पैसे लगाए, less than 10% है, ठीक है, less than 10% है, तो यहाँ पर एक्टिव नहीं भी रहते जनरली, ठीक है. इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स आर मेड, यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्ट, यहाँ पर इनडायरेक्ट है, मतलब आप उसके स्टेक्स खरीद रहे हैं, आप उसके कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है. आप जो है मार्केट में, जैसे रिलायंस में अगर चाहिए होगा कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, तो वो मे बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाके इनडायरेक्टली परचेज करेगा एसेट. लेकिन यहाँ पर क्या है, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप डायरेक्टली जो है आप वो स्टॉक्स नहीं खरीद रहे, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर कर रहे हैं. ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपका FDI जो है इट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग, यू आर बाइंग मोर देन 10% ऑफ दी कंपनी, देन दैट मीन्स आप क्या है, आप एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए हैं, तो आप जो है बहुत लॉन्ग टर्म होता है. ये FPIs का एक बात है, दीज आर वॉलेटाइल, बहुत वॉलेटाइल होते हैं, बहुत स्केप्टिकल भी होते हैं, ठीक है, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं उस टाइप से. लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जनरली स्टेबल होते हैं, ठीक है, जनरली जो है ये स्टेबल होते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं तो इसीलिए स्टेबल होते हैं. ये शॉर्ट टर्म होते हैं इसीलिए ये थोड़े से वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. होपफुली आपको ये डिफरेंस जो है इनके बीच में समझ में आ गया होगा, ठीक है. वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. द नेक्स्ट न्यूज़ इज PM cautions पीपल अगेंस्ट डिजिटल अरेस्ट स्कैम बाय फ्रॉडस्टर्स, ठीक है. तो यहाँ पर जो है कल PM मोदी ने मन की बात में डिजिटल स्कैम्स के बारे में बहुत जो है बातें उन्होंने की, बिकॉज डिजिटल स्कैम्स जो है ना बहुत ज़्यादा राइज में है. एवरी अदर पर्सन यू गो एंड टॉक, दे वुड हैव विटनेस्ड एनी काइंड ऑफ OTP स्कैम या फिर कुछ टाइप का पैसे जो है फ्रॉड स्कैम कॉल्स आ रहे हैं, यू नो दे आर प्रिटेंडिंग टू बी समबडी फ्रॉम योर नोन फैमिली मेम्बर्स एंड दे आर आस्किंग फॉर मनी. स्पेशली मतलब हम क्या बोले, बच्चों को भी ऐसे लूटा जा रहा है, जो यंगस्टर्स हैं उनको भी अगर लूटा जा सकता है, तो दोज पीपल हु आर नॉट टेक सेवी लाइक आर पेरेंट्स, दे हाउ दे आर गोइंग टू डील विद द इशू. सो इसीलिए यहाँ पर जो है PM मोदी ने जो है मन की बात में कल ये डिजिटल फ्रॉड्स जो हो रहे हैं, ये सिर्फ स्कैम्स हो रहे हैं, यहाँ पर बात की है उन्होंने कि साइबर हेल्पलाइन में जो है उनको फटाक से कंप्लेन करना चाहिए अगर ऐसा कुछ इशू आ रहा है, एंड थोड़ा विजिल रहना बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. स्टेटिंग दैट द प्रोब एजेंसीज वेर वर्किंग टुगेदर विद द स्टेट गवर्नमेंट टू डील विद द इशू, मिस्टर मोदी अर्ज द स्कूल एंड कॉलेज टू इन्वॉल्व स्टूडेंट इन कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन दी मेनेस. स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को जो है अवेयरनेस क्रिएट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी. तो वो एग्जाम में सेम ही बात बोल रही हूँ कि थोड़ा विजिलेंस होना, थोड़ा अवेयरनेस होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली विथ आर पेरेंट्स, ठीक है, एंड ग्रैंड पेरेंट्स फॉर दैट मैटर. ड्यूरिंग हिज मन की बात एड्रेस मिस्टर मोदी सेट फ्रॉडस्टर मेड फोन और वीडियो कॉल्स टू परस्पेक्टिव विक्टिम्स पोजिंग एज ऑफिशियल्स इन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी. ये एक न्यू टाइप का स्कैम है, आपको बोलेंगे कि आपका एक पैकेज है वो मे बी कस्टम्स में फंस गया है, या फिर ऐसे कुछ लॉ टैक्स इंस्पेक्टर से हम बात कर रहे हैं, या फिर हम कोई पुलिस वाले हैं, इस टाइप से कुछ वो बातें करते हैं, एंड देन आपसे जो है पैसे पूरा स्कैम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. पूरा दे विल साउंड एकदम ऑथेंटिक, दे विल शो यू प्रूफ्स कि ये हम हैं. लेकिन याद रखिए, कभी भी अगर आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेन होता है, ये इस टाइप से डिजिटली या ऑनलाइन तरीके से आपसे पैसे नहीं लूटेंगे वो, ओके, वो आपसे बिल्कुल डिजिटल जो है प्रूफ आपको नहीं दिखाएंगे, इस टाइप से नहीं होता है, ठीक है. अरेस्ट वगैरह भी दे विल ब्रिंग प्रॉपर पेपर वर्क के बिना आप जो है किसी चीज़ पे भी भरोसा मत कीजिएगा, ठीक है. और उसके बाद क्या है, द फर्स्ट मूव इज दे कलेक्ट ऑल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे आधार का नंबर,
पैन कार्ड का नंबर, जितने पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो, वोटर आईडी, ठीक है, ये सब ले लेंगे। सेकेंड मूव क्या है, ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि हम आपका आधार नंबर भेज देंगे, आपके साथ ये कर देंगे, आपका फोन नंबर स्प्रेड करा देंगे, इस टाइप से सेकेंड जो है वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जहाँ पे आपको डर लगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो मतलब यूनिफॉर्म दिखाएंगे ज़्यादातर वो लोग जो है, क्योंकि यूनिफॉर्म पहन के बैठे रहते हैं तो और ज़्यादा ट्रुथ जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम भाई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से है या फिर हम टैक्स इंस्पेक्टर है, तो इस टाइप का बहुत इश्यूज़ वो लोग क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्या है, साइकोलॉजिकल प्रेशर देते हैं, जैसे कि हम आपके पेरेंट्स को बता देंगे, ठीक है, हम आपको अरेस्ट करने आएंगे तो आपके आसपास पड़ोसी वाली देखेंगे और अगर आपको इसे बचना है तो हमें इतने पैसे दे दीजिए। तो इस टाइप का इश्यूज जो है, ये इस टाइप का फ्रॉड जो है वो करते हैं, एंड इसी को क्या कहते हैं हम, डिजिटल अरेस्ट। मतलब आपको असली में नहीं अरेस्ट कर रहे, ये आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं कि मतलब हम आपके साथ ये कर देंगे, हम इन लॉ इन्फोर्समेंट से हम ऐसे ये वर्दी पहन के बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ा स्कैम है जो कि अभी रिसेंट टाइम पर चल रहा है, ठीक है। छोटे मोटे स्कैम्स, OTP स्कैम हो गया, ये क्लिक स्कैम हो गया, क्लिक बेट स्कैम हो गया, ये सब खत्म होकर न्यू टाइप ऑफ स्कैम जो है ये लिख रहा है, एंड स्पेशली इंडियन ऑडियंस, इंडियन सिटीजन जो है थोड़े वल्नरेबल हैं, थोड़ा डिजिटल लिटरेसी कम है, ठीक है, थोड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, तो इसकी वजह से लोग जो है बहुत जल्दी इन सब झांसों में फंस जाते हैं, एंड वेरी वेरी कॉमन है, ठीक है, ये सब टाइप से बहुत ज़्यादा कॉमन है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने इफेक्टिव एक्शन अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ साइबर फ्रॉड्स, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है उन्होंने बनाया है, ठीक है, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। अब ये क्या है, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है ये क्या करेगा, जो भी सिचुएशनल अवेयरनेस है वो क्रिएट करेगा, और क्या किस टाइप का स्कैम्स ऑन गोइंग है, रैम्पेंट है, उस टाइप से वो हमें सतर्क जो है वो कराने की वो कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ क्या टाइप का साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स है, टाइमली इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करना, एंड प्रोएक्टिव प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव जो है एक्शन जो है वो लिया जाएगा बाय इंडिविजुअल एंटिटीज, ठीक है। तो नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है ये क्या है, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड ई सर्वेलेंस के लिए ये जो है एजेंसी बनाया गया है। इट इज़ ज्यूरिसडिक्शनली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, IT मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता, होम अफेयर्स के अंदर आता है। इट कोऑर्डिनेट्स विथ मल्टीपल सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस एजेंसी एज वेल एज सर्टिन, ठीक है। सर्टिन जो है ये क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। सर्टिन मतलब कुछ भी कंप्यूटर इमरजेंसी आता है, जैसे कि एम्स का आपको याद है डेटाबेस हैक हो गया, तो ये इसको रिट्रीव करने का काम किसका है, ये सर्टिन जो है इनका काम है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, सर्टिन जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंतर्गत आता है। ये जो NCCC है, जो NCCC है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, लेकिन सर्टिन जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर आता है। कंपोनेंट्स ऑफ NCCC इंक्लूड साइबर क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग एंड रिव्यू ऑफ आउटडेटेड लॉज, ये इनका जो काम है, ठीक है, कि क्या है, क्या काम है इनका, कि साइबर क्राइम प्रिवेंशन, साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन और जितने भी आउटडेटेड लॉज है, बिकॉज साइबर टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, अभी भी बहुत ज़्यादा इवॉल्विंग है, तो इसमें किस टाइप से चेंजेस हमें लाना है, बिकॉज आज से 2000 साल मतलब इन सन 2000 जो भी हुआ था ईयर 2000 में वो अभी रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज बहुत अलग अलग टाइप के स्कैम्स जो है वो हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको अपडेट करते रहना, वो भी ये NCCC दैट इज नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है इनका काम है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट डाउन इट इन योर आंसर्स कि साइबर स्कैम फ्रॉड्स के लिए ये जो है हमारा ये एक इफेक्टिव जो है स्ट्रैटेजी हमने बनाया है, ठीक है। सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे इज इंडिया टू प्रोक्योर 15 मोर C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ क्यों इंटरेस्टिंग है, बिकॉज हम जो है एक असेंबली यूनिट हम बना रहे हैं, ठीक है, असेंबली यूनिट, ये हमारा पहला असेंबली यूनिट होगा इन कहाँ पे, बड़ोड़ा, ठीक है, बड़ोड़ा में जो है बड़ोड़ा जो है बेसिकली बड़ोड़ा जो आपके गुजरात में जो बड़ोड़ा सिटी है वहाँ पर ये जो एक असेंबली यूनिट जो है वो बनाया जा रहा है, एंड ये स्पेशली एयरबस जो है उनको असेंबल करने के लिए ये जो यूनिट है ये बनाया जा रहा है इन बड़ोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम जो है स्पेन से जो है हम एयरबस जो है ख़रीदने वाले, ठीक है, स्पेन से जो है हम एयरबस जो है वो हम ख़रीदने वाले हैं। इसमें से क्या होगा कि हम लोग ऑलमोस्ट 15 जो है और एयरक्राफ्ट जो है वो प्रोक्योर करेंगे। इसमें से जो 3 जो आएंगे वो फ्लाईवे कंडीशन में होगा, मतलब हम इसको उड़ा सकते हैं, ठीक है, फ्लाईवे कंडीशन में होगा। बाकी जो रहेंगे रिमेनिंग, आई थिंक इट विल बी 12, इसको हम इंडिया में असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर ट्विन विन क्या होगा, एक तो इंडिया का असेंबल इन इंडिया होगा,
आगे बढ़ेंगे हम. और दूसरा क्या, हमें एक नॉलेज होगा, ठीक है, हमें एक नॉलेज, हमें भले ही पूरा मास्टर इंजीनियरिंग का नॉलेज ना हो कि मतलब एयरबस कैसे बनाए, लेकिन हमें एक असेंबल का, असेंबल किस तरीके से करें वो हम कर पाएंगे, ठीक है, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. बिकॉज उसके बाद क्या हो सकता है कि बहुत सारी दूसरी कंट्रीज, जैसे कि US हो गया, लेट्स से कैनेडा हो गया, कैनेडा तो नहीं पर US हो गया, यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज़ हो सकती है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज़ जो है सिंगापुर से कुछ, मतलब ऐसे कंट्रीज़ जो है वो अपना क्या कर सकते हैं, इंडिया में असेंबल करवा सकते हैं. तो असेंबल इन इंडिया जो है वो फर्दर स्टेप इन होगा, ठीक है. तो हमारे यहाँ पे अगर हमें एक आइडिया हो गया, देन आर टेकीज कैन यू नो फर्दर इम्प्रूव देयर असेंबलिंग. और उसके बाद हम मे बी आगे इन कमिंग फ्यूचर, मे बी इन 20-30 ईयर्स, वी कैन डेवलप आर ओन मशीनरी, ठीक है. तो इस टाइप से हम आगे बढ़ सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए. ये क्या है, एक फाइनल असेंबली लाइन, ठीक है, फाइनल असेंबली लाइन, असेंबली लाइन, FAL, ठीक है. ये FAL जो है ये बनाया जा रहा है इन बड़ौदा, ठीक है. ये असेंबली यूनिट या फाइनेंशियल असेंबली लाइन जो है ये बनाया जा रहा है, ठीक है. इंडिया इज़ लुकिंग टू प्रोक्योर 15 एडिशनल C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस बियॉन्ड द 56 ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड, ऑफ विच 12 वुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाई टाटा एडवांस लिमिटेड सिस्टम. अगर आपको याद हो, टाटास ने जो है डील किया था विद बोइंग कि वो खरीदेंगे उनके एयरबसेस. सो यहाँ पर क्या तो यहाँ पर वो उन्होंने पहले प्रोक्योर किए थे 56, अब वो फिर से और 15 जो है खरीद रहे. 3 जो है मैंने जैसे आपको बताया वो लोग फ्लाई अवे कंडीशन में ही आएंगे, बाकी को हम इंडिया में असेंबल करेंगे. ऑन मंडे मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड स्पेनिश मिनिस्टर, हम स्पेन से खरीद रहे इसीलिए, पेड्रो सैंचेस विल जॉइंटली इनॉग्रेट द टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स इन वडोदरा which will manufacture C295. This facility will be India's first private sector assembly line. ठीक है, final assembly line. India का पहला private sector होगा because Tata's के द्वारा जो है ये बनाया जा रहा है. It will involve the full development of a complete ecosystem from the manufacture to assembly to test to qualification. हर चीज़ जो है इस यहाँ पर किया जाएगा. Delivery and maintenance सब कुछ जो है यहाँ पर किया जाएगा by the Tata Advanced Systems. The Prime Minister's office said on the statement on Saturday. यहाँ पर क्या है, हम 15 जो एयरक्राफ्ट लाएंगे वो जो है हम यहाँ पर उसको जो है हम असेंबल जो है यहाँ पर करेंगे, ठीक है. वी आर डिमांडिंग TASL टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड टू इंक्रीज द इंडिजनाइजेशन लेवल ऑफ एयरक्राफ्ट टू 78%. अभी हम जो है 78% तक अचीव करना चाहते हैं. 100% इंडिजनाइजेशन अचानक से करना इट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो. तो अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है. पहले हम 50% में पहुंचे, अब हम 78% अचीव करना चाहते हैं. उसके बाद वी विल अचीव 100% इंडिजनाइजेशन, मतलब मेड इन इंडिया वो होगा, ठीक है. द 15 एयरक्राफ्ट आर फॉर द मैरिटाइम रिकॉनिसेंस रोल बीइंग डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO. तो ये जो एयरबसेस आएंगे ना, ये क्या होंगे, ये सिविल पर्पज़ के लिए नहीं, मिलिट्री पर्पज़ के लिए जो है ये लाए जा रहे हैं, ठीक है. तो बाद में ये DRDO के द्वारा जो है ये भी डेवलप जो है ये किया जाएगा. द डिफेंस मिनिस्ट्री हैड साइंड 21,935 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट विद एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, जो स्पेन में है उनके साथ जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये साइन किया था, ठीक है. तो ये जो एयरक्राफ्ट है मिलिट्री के लिए होंगे, लेकिन टाटा एडवांस सिस्टम इसको बना रहे हैं और हम खरीदेंगे इनसे, हम स्पेन से खरीदेंगे. तो ये जो तीनों पार्टीज है यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है. यहाँ पर सिमिलर बात की गई है, द FAL वाज सेट इन रिकॉर्ड टाइम जस्ट ऑफ 2 ईयर्स, मतलब 2 ही साल में जो ये पूरा फाइनल असेंबली यूनिट जो है इसको बनाया दिया गया था. एंड यहाँ पर बहुत सारे मेजर कंपोनेंट्स जो है, जो हमारा मैन्युफैक्चर इन इंडिया का जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए दिस विल बी वेरी वेरी क्रूशल, ठीक है. एज ऑन डेट इंडियन एयरफोर्स हैज ऑलरेडी इंडक्टेड 6 एयरक्राफ्ट एंड इन इट्स 11 स्क्वाड्रन बेस्ड एट वडोदरा द सोर्स सेट. तो यहां पर पहले से ही जो है हम जल्दी जल्दी काम करके इस यहां पर एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, जहां पे हम बनाएंगे भी, मैन्युफैक्चर भी करेंगे, क्वालिटी भी टेस्ट करेंगे, एक्सपोर्ट क्वालिटी भी हम बनाएंगे. सो दिस विल बी अ वेरी वेरी बिग पुश टू मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, ठीक है. और एक्सपोर्ट के लिए भी ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है. सो होपफुली आपको ये पूरा जो है समझ में आ गया होगा. विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन. इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू.